नमस्कार दोस्तों, सर्वदा स्वस्थ कैसे रहें, आइए जानते हैं आज। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यह सूर्योदय के लगभग 45 मिनट पहले होता है। सुबह बासी मुंह भर पेट जल पीने की आदत डालें, इसे उसापान कहते हैं। यह बहुत से रोगों को दूर करता है। जल हरदम बैठकर पिएं, खड़े खड़े कभी न पिएं। सुबह नित्र कर्म से निवृत्त होकर मैदान में टहलने की आदत डालें। कम से कम 2-3 किलोमीटर तक अवश्य चलें। रोजाना सुबह 15 से 30 मिनट तक हल्के व्यायाम एवं योगासन करें। रोज सुबह नाश्ते में अंकुरित आहार को शामिल करें, इसे अमृतान्न कहते हैं, क्योंकि ये केवल सूर्य की रोशनी में ही पकते हैं। इनमें चना, मूंग, गेहूं, मूंगफली, उड़द, मेथी, सोयाबीन आदि हैं। इन्हें खूब चबा चबा कर खाएं तथा दूध पिएं। दूध भी धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट बनाकर पिएं। नियमित समय पर खूब चबा चबा कर भोजन करें। दांतों का पूर्ण उपयोग करें। दांतों का काम आंतों से न लें तथा भोजन में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगाएं। दूध को खाएं। रोटी को इतना चबाएं कि वह मीठी लगने लगे। जब वह लहर के साथ मिलकर पेट में जाएगी तब सुपाच्य हो जाएगी एवं अच्छी ऊर्जा देगी। इस तरह से भोजन करने पर आप कब्ज से बचेंगे। दैनिक भोजन में सलाद को जरूर शामिल करें। भूख लगे तभी खाएं तथा वह भी भूख का 70% ही खाएं। 30% पेट खाली रखें। अनावश्यक बार बार न खाएं तथा ठूस ठूस कर न खाएं और भोजन में किसी से होड़ लगा कर न खाएं। पेट को कूड़ा घर न बनाएं। दोनों समय भोजन करने के बाद यथासंभव कुछ देर तक आराम करें, नींद न लें। 8 श्वास दाहिनी करवट लेकर लें, 16 श्वास सीधी करवट तथा 32 श्वास बाईं करवट लेकर लें। इससे पाचन ठीक होता है तथा इसके बाद वज्रासन जरूर करें। दोनों घुटनों के बल पर बैठकर हाथ घुटनों पर रखें, मेरुदंड सीधा करें। यह सामान्य वज्रासन है। दोनों समय भोजन के बाद मूत्र का त्याग करें। ऐसा करने से कमर दर्द नहीं होता, पथरी की शिकायत भी नहीं होती है। दोनों भोजन के बीच में केवल फल एवं जूस ही लें और कुछ न खाएं। दिन भर में करीब 2.5-3 लीटर जल जरूर पिएं। भोजन के साथ जल न पिएं। यह बीच बीच में 2-3 घूंट ही पिएं। भोजन के लगभग 1 घंटा पहले तथा 1 घंटा बाद जल पिएं। चाय, कॉफी, सिगरेट, जर्दा, पान पराग, भांग, चरस, गांजा, शराब, बीड़ी इत्यादि मादक एवं नशीली चीज़ों का कभी भी सेवन न करें। ये स्वास्थ्य के लिए जहर है। शरीर के किसी वेग को न रोकें, यथा मल, मूत्र, छींक, जंभाई, डकार, अपान वायु, भूख, प्यास, नींद, आंसू इत्यादि। हर वक्त लंबी सांस लेने की आदत डालें, इससे अनेक बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। मल मूत्र का त्याग करते वक्त दांत को जोर से भींच लें तथा मूत्र को पूर्ण वेग से न छोड़कर बीच बीच में रुक रुक कर करें। ऐसा करने पे पौरुष ग्रंथ की शिकायत नहीं होती एवं शिकायत होने पर कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। नहाने के पहले मूत्र का त्याग जरूर कर लें। रोज रात को 9-10 बजे तक सोने की आदत डालें। सोते वक्त सिर हरदम दक्षिण दिशा की तरफ रखकर सोएं।
धन्यवाद। ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अब तक पहुँचे रहें इसी स्वास्थ्य समाधान को लेकर के। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।